तो वहीं देखिए उत्तर प्रदेश के बहराइच में भेड़िए का आतंक देखने को मिला है। दरअसल आदमखोर भेड़ियों से गांव में इस वक्त दहशत का माहौल है और अब तक 9 लोग भेड़िए का शिकार बन चुके हैं। कुल 30 गांव में भेड़ियों का आतंक लगातार बरकरार है। वन विभाग का सर्च ऑपरेशन भी जारी है। सीएम योगी ने वन विभाग से रिपोर्ट भी तलब की है और उत्तर प्रदेश के बहराइच का पूरा मामला हम आपको बता रहे हैं, जहां पर आदमखोर भेड़ियों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है। पिछले 1.5 महीने में भेड़ियों ने 9 लोगों को अपना शिकार बनाया है, जिनमें से बच्चे और महिलाएं भी शामिल बताई जा रही है। जबकि 30 गांव में भेड़ियों के आतंक के वजह से इस वक्त ग्रामीण बेहद दहशत के माहौल में जी रहे हैं और इस वक्त जिस तरीके से ग्रामीणों में भी कहीं ना कहीं भय का माहौल बना हुआ है कि न जाने कब उनकी जिंदगी पर ये भेड़िया हमला कर जाए। दिन भर महिलाएं घरों में अपने बच्चों को लेकर के दुबकी रहती हैं और रात को पुरुष भी पहरा देने के लिए मजबूरन या तो घरों की छतों पर तैनात रहते हैं या तो बिल्कुल अलर्ट पे रहते हैं। तो अब हम आपको ये तस्वीरें दिखाते हैं, जरा ये देखिए कि किस तरीके से 1, 2, 3, 4 ये एक साथ यहाँ पर कैसे भेड़िए भागते हुए नजर आ रहे होंगे आपको इन तस्वीरों में। ये वीडियो उस दौरान का कैप्चर किया गया था जिस वक्त ये बताया जा रहा था कि भेड़िए अचानक से इस गांव में घुस गए थे और उस दौरान की तस्वीर है जब कैमरा वहां पर जो लगा हुआ था उस कैमरे में ये घटना कैद हुई थी। और यहां पर जब भेड़ियों की तरफ से गांव में धावा बोला गया, आतंक फैलाने की कोशिश भेड़ियों की तरफ से जब की गई थी, ये उस दौरान की वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं। और इस वीडियो को आप देख करके समझ सकते हैं कि आखिर गांव वालों ने जब इस वीडियो को देखा होगा और भेड़ियों से आमना सामना कुछ लोगों का हुआ होगा उस वक्त कितना ज्यादा डर का माहौल पूरे गांव में होगा, क्योंकि ये बताया जा रहा है कि बेहद खूंखार भेड़िए हैं जो कि लगातार इस वक्त गांव में जितने लोग रह रहे हैं उन पर एक एक करके हमले बोल रहे हैं। और अब तक इस बीच कई ऐसे लोग हैं जिनकी जानें जा चुकी हैं, जबकि बच्चों को भी ये भेड़िए बख्श नहीं रहे हैं। बच्चों पर भी अब तक कई बार हमले किए जा चुके हैं लेकिन कुछ बच्चे अभी भी गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। तो ऐसा भी बताया जा रहा है कि 9 जाने जाने की अब तक पुष्टि की गई है। पिछले 4 दिनों में इन इलाकों में भेड़िए 2 और लोगों को भी अपना शिकार बना चुके हैं और घायल भी जिस तरीके से बताया जा रहा है कि जो घायलों की संख्या है वो भी लगातार दिन पर दिन बढ़ती चली जा रही है। और फिलहाल ये जानकारी आपको दे दे कि इस बीच जब ये हमला बोला गया भेड़ियों की तरफ से, इस दौरान महिला बुजुर्ग बच्चे भी घायल हुए हैं। और साथ ही साथ इस वक्त जिस तरीके से गांव का माहौल बताया जा रहा है, गांव में भी लोग डर के साए में जी रहे हैं। जो मैक्सी तहसील में जो ये घटनाएं हुई है उसमें अभी हम जो वुल्फ है उस वुल्फ को क्वेश्चन उसको हम अभी ट्रेस कर रहे हैं। हमारे पास 2 ड्रोन हैं जो लगातार चल रहे हैं, IR वाले ड्रोन हैं, उसमें भी हम लोगों ने ट्रेस भी कर रखा हुआ है। हमारे 3 वुल्फ हैं जो एक साथ घूम रहे हैं। सुबह हम लोग 3 बजे से यहाँ पे लगे हुए थे, जैसे ही डॉन हुआ है, जैसे ही लाइट ब्रेक हुई है वहाँ पे हमने उसको रेस्क्यू ऑपरेशन एक करा था वहाँ से शुरू करके, बट स्लाइडली वो साइड से करके निकल गया हुआ है और अब वो 2 किलोमीटर नॉर्थ में आके यहाँ पे आ गया। तो हम सारी टीम यहाँ पे आके पोजीशन हुई है। यहाँ से अभी हमारे पास उसकी 800 मीटर के आसपास की लोकेशन मिली है गन्ने के खेतों के अंदर, वहाँ पर हमारी टीम ऑलरेडी पहुँच रही है। आप तो टीम साथ है और बाकी टीम वहाँ पे पहुँच के उसको लोकलाइज करेंगे। हमारे साथ बुधवा टाइगर रिजर्व के कतनिया घाट के वेट भी हैं साथ में और वो जैसे ही हमारे वहाँ पे होता है साथ में पहुँच के उसको ट्रैंकलाइज करके कैप्चर करने की कोशिश की। आज वाला जो इंसिडेंट था, आज वाले इंसिडेंट में थोड़ा सा इन्वेस्टिगेशन की भी ज़रूरत है, क्योंकि आज हमने जा कर के वहाँ पर देखा कि वो एनिमल के बग मार्क्स नहीं दिखाई दे रहे थे। जो बताया गया था कि बॉडी को उन्होंने वो लिफ्ट करके लेके गया, वो बच्ची लगभग 6 से 8 साल की बच्ची बताई जा रही है। कैसे उसने लिफ्ट किया, क्या किया, वो सब इन्वेस्टिगेशन का मामला, वो इन्वेस्टिगेट हो जाए, कायदे से समझ ले कि आखिर किस प्रकार से हुआ है, अटैक्स किस प्रकार से हो रहे हैं, तो आगे की स्ट्रेटेजी और प्रॉपर तरीके से हम प्लान कर सकते। तो भेड़िए का आतंक और भेड़िए के आतंक के बाद में पूरा जिला प्रशासन, चाहे वो वन विभाग हो, वन विभाग तो 35 दिन से लगातार लगा हुआ है, चाहे वो ब्लॉक स्तर के अधिकारी हों, चाहे जिले स्तर के अधिकारी हों, सब लोग लगे हुए हैं। और जो परसों एक बच्ची खाई गई है उसके देखने से ऐसा प्रतीत नहीं होता है, उसके देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि उसका हाथ कटा हुआ है, पैर कटा हुआ है, किसी जानवर के खाने जैसा नहीं लगता है और उसके बदन पे कोई कपड़ा भी नहीं था। बताते हैं ग्रामवासी, बताते हैं कि कच्ची उसकी
नदी के इस पार मिली, और जो हमने गांव में जा करके गांव वालों से पूछा तो लाश उठाने जब ग्रामीण गए तो वहां पे कोई भी अधिकारी, पुलिस का कोई भी आदमी वहां मौजूद नहीं था। पुलिस वाले उस नाले के इस तरफ खड़े थे जहां मैं खड़ा हूं, और उनको एक झोला दिया, कहा कि इसमें भर लाइए। कि हम लोग उसे ट्रेस कर रहे हैं और हमें उम्मीद है जल्दी और पकड़े जाएंगे। हम ये लेके आए हैं कि हम उसको ट्रेस करें, ड्रोन से ट्रेस करें और उसको चाहे जाल लगा के पकड़ें या ट्रैंकुलाइज करें, जैसे भी है हमें उसे पकड़ना है। और लोगों को ये आग्रह करना है कि खुले में मत रहो, बच्चों का ख्याल रखो और बच के रहो। हम यहाँ आए ही इसीलिए हैं लोगों को जागरूक, और हमारे विधायक जी जो लगे हुए हैं यहाँ के, हमारे विधायक दोनों लोग लगे हुए हैं और वो बड़ा सहयोग कर रहे हैं, और डिपार्टमेंट के लोग भी, और उसके साथ ही साथ पुलिस का हुआ, अन्य महकमे भी पूरी मदद कर रहे हैं। हमको हर हालत में यहाँ की जनता की सेवा करना है, यहाँ की जनता को भेड़िए से बचाना है, बच्चों को सुरक्षित रखना है, लोगों को एजुकेट करना है कि बाहर खुले में मत हो, दरवाजे बंद करके सो और भेड़िए से बच्चों को बचाना। तो यूपी के बहराइच में भेड़ियों से दहशत का इस वक्त माहौल है। दहशत में इस वक्त गांव के लोग रहने को मजबूर हैं। 35 गांव में भेड़िये का दहशत लगातार बरकरार है। 2 महीने में अब तक 9 लोगों का शिकार ये भेड़िये कर चुके हैं। नरभक्षी भेड़ियों को पकड़ने में 5 जिलों का वन महकमा लगा हुआ है। 11 अफसरों की टीम, 200 कर्मचारी भी गांव की रखवाली कर रहे हैं, और ड्रोन कैमरों के जरिए भेड़ियों को लगातार ट्रैप करने की कोशिश की जा रही है। तो फिलहाल इस पूरे मामले में कई ऐसी टीमों को लगाया गया है जिसके तहत में जल्द से जल्द इन भेड़ियों को पता लगाया जा सके। और इस पर ज्यादा जानकारी के साथ नीरज मिश्रा इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नीरज, आपसे जानना चाहेंगे कि क्या अब तक भी भेड़ियों को ट्रैप किया जा सकता है, क्योंकि कई गांव बताए जा रहे हैं जो कि अब इन भेड़ियों का शिकार हो रहे, भेड़िये शिकार कर रहे हैं वहां गांव में। जी बिल्कुल, देखिए बहराइच में करीब 35 गांव ऐसे हैं जहां पर नरभक्षी भेड़िये का जो आतंक है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। पिछले 2 महीने में इस भेड़िये के द्वारा, यानी जो नरभक्षी भेड़िया है इसके द्वारा करीब 9 लोगों को शिकार बनाया गया है, जिसमें 8 बच्चे भी शामिल हैं। एक भारी भरकम टीम इसको पकड़ने में लगी हुई है। 5 जिलों की जो वन विभाग की टीम है वो लगी हुई है। इसके अलावा 200 लोग लगाए गए हैं जो ग्रामीण स्तर पर अपने यहाँ पहरा दे रहे हैं। साथ ही साथ वन विभाग के 7 अधिकारियों को लगाया गया है, जिलाधिकारी से लेकर तमाम बड़े अधिकारी इस पूरे मामले की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और इसके अलावा ड्रोन कैमरे से भी देखा जा रहा है कि आखिर रात में कहाँ कुछ हलचल होती है। तो कुल मिला के पूरी तरह से इस नरभक्षी भेड़िये को पकड़ने का प्रयास हो रहा है, लेकिन अभी तक सफलता नहीं मिली है और न ये जानकारी मिली है कि ये कहां से आता है। नीरज, लेकिन इन सब के बीच थोड़ा सा ये भी समझना चाहेंगे, जिस तरीके से अभी हमने बाइट सुने, चाहे लोग हों या अधिकारी हों, इसमें कुछ और भी चीजें लग रही हैं। क्या वाकई में भेड़ियों का ही आतंक है या कुछ और भी चीजें हैं? क्योंकि जिस बच्ची के शव को लेकर के चर्चा हो रही है उसमें कहा जा रहा है कि हाथ कटे हैं, पैर कटे हैं, कोई भी कपड़ा नहीं था। इसके अलावा जहां पे शव मिला वहां पे कोई पग मार्क नहीं था। देखिए बिल्कुल निश्चित तौर पर ये कहा जा रहा है कि अभी तक जो ग्रामीणों का कहना है, उनका कहना है कि कोई भेड़िये जैसा कोई जानवर है जो इस तरह का आतंक फैला रहा है, लेकिन सच्चाई क्या कुछ है अब तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये सामने नहीं आई है कि निश्चित तौर पर कहा जा सके कि ये भेड़िया है या कोई और इस तरह का कोई दूसरा नरभक्षी जानवर है, या फिर इसकी आड़ में कोई शरारती तत्व है जो अपने इस तरह के कारनामे को अंजाम दे रहा है। तो कई बिंदुओं पर लगातार जाँच की जा रही है, जिलाधिकारी से लेकर और तमाम जो जिले बड़े अधिकारी होते हैं वो इस मामले पर अपनी नजर बनाए हुए हैं, लेकिन तमाम चीजें पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद सामने आती हैं, लेकिन फिलहाल अभी उसमें भी कुछ स्पष्ट नहीं है। तो लिहाजा पूरी टीम लगाई गई है और साथ ही साथ ग्रामीण भी पहरा दे रहे हैं, क्षेत्रीय विधायक है वो भी लगे। नीरज, वन विभाग कर क्या रहा है? मतलब इतने दिन हो गए और 4-5 भेड़िए हैं, आप उसे पकड़ नहीं पाए हैं, मतलब वन विभाग इतना कमजोर है?
बिल्कुल इसे नाकामी ही कहा जाएगा वन विभाग के कि उसने ड्रोन का भी इस्तेमाल किया हुआ है और लगातार अफसरों की टीम भी तैनात की गई है। 7 बड़े अफसर जो इस तरह के मामलों में काफ़ी एक्सपर्ट माने जाते हैं उनको लगाया गया है, लेकिन अभी तक इस जानवर के बारे में, इस नरभक्षी जानवर के बारे में कोई भी जानकारी या कोई भी प्रूफ या कोई भी फोटो कैद नहीं हो सकी है, ना तो ड्रोन कमरे में, ना तो जो नाइट विजन कैमरा पेड़ों में लगाया जाता है या जंगलों में लगाया जाता है वहाँ। तो अभी इस पूरे मामले में वन विभाग लगा हुआ है और स्थानीय जो ग्रामीण हैं वो अपने तरीके से पहरेदारी करके गांव की सुरक्षा जो है सुनिश्चित कर रहे हैं और रात में कोई ना निकले, बाहर ना जाए, इसके लिए भी गाँव में लगातार मुनादी की जा रही कि लोग देर रात गाँव में ना निकले। तो तमाम तरह के इंतज़ाम लोग खुद भी कर रहे हैं बचने के लिए और साथ ही साथ विभाग भी लगा हुआ है। अब देखना यह होगा कि आखिर इस भेड़िए का या जो जानवर कहा जा रहा है उसका आतंक कब समाप्त होता है। लगभग बताया जा रहा है कि 35 गांव वैसे हैं जो कि इस वक्त दहशत के साए में जीने को मजबूर है और वहां पर न दिन में कोई जल्दी बाहर निकल पा रहा है और रात की तो खैर बात ही छोड़ दीजिए, क्योंकि रात को भी जहाँ वन विभाग महकमे की ओर से भी प्रयास किए जा रहे, घर के पुरुष भी लगातार पहरेदारी कर रहे हैं, ऐसे में वन विभाग पर सवाल खड़े होने लाजमी है। ड्रोन का इस्तेमाल करके भी कई बार हमने देखा है कि कैसे ट्रैंकुलाइज किया जाता है, जब अगर वीडियो रिकॉर्ड किया जा सकता है तो फिर इस तरीके से ड्रोन का इस्तेमाल ट्रैंकुलाइज करने के लिए क्यों नहीं किया जा सकता। बिल्कुल सही बात है, कहीं ना कहीं इसमें वन विभाग की नाकामी जरूर दिखती है, क्योंकि पूरा 35 गांव, एक दो गांव नहीं 35 गांव जब इस भेड़िए के आतंक की चपेट में है तो और बड़ा ऑपरेशन करना चाहिए, बहुत गंभीरता से करना चाहिए और इसीलिए ग्रामीणों को अपनी सुरक्षा खुद करनी पड़ रही है। ये एक बड़ी बात है कि 200 से ज़्यादा जो ग्रामीण हैं, नौजवान हैं, वो लगातार गाँव और आसपास खेतों में पहरा दे रहे हैं, चूँकि बारिश का वक्त है और इसमें और भी सतर्क रहने की ज़रूरत है, तो खुद से सतर्कता जो ग्रामीण है वो बरत रहे हैं। बिल्कुल, और इसमें नीरज आखिर में बस ये भी आपसे समझना चाहेंगे कि क्या ये इसमें कोई क्राइम का एंगल भी तो हो सकता है, क्योंकि जिस तरीके से हमने, जैसा मैंने पहले भी पूछा कि बाइट जिस तरीके से हम सुन रहे हैं, क्या कोई क्राइम का एंगल है और उसको भेड़िए के आतंक के नीचे दबाने की कोशिश है। निश्चित तौर पर हो सकता है, इस तरह की जब भी देखिए घटनाएं होती हैं, इसके पूर्व में भी आपको याद होगा सन 2000 आसपास के पास भी इसी तरह के तमाम जो है कभी चोटी कटवा या फिर काला बंदर, इस तरह की तमाम घटनाएं आज से 10-15 साल पहले कभी समय समय पर सामने आती रहीं और उसमें कुछ खास पता नहीं चल सका और कई जगह तो ऐसा सामने भी आया कि साजिश के तहत इसी की आड़ में लोग अपना बदला, अपनी दुश्मनी भी निकाल लेते हैं। तो इस एंगल पर भी जो पुलिस है वो जांच कर रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी चीज ये है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये चीज सामने आ जानी चाहिए कि आखिर जिनके ऊपर हमला हुआ है, जिनकी मौतें हुई हैं, ये मौतें किस वजह से हुई हैं, क्या किसी जानवर की वजह से हुई हैं या फिर इन्हें किसी ने आपसी साजिश के तहत अपना निशाना बनाया है। तो ये तमाम चीजें जांच में सामने आ जाएंगी। ठीक है नीरज, चलिए बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो लगातार देखिए अभी भी वन विभाग की ओर से ये कहा जा रहा है, दावे किए जा रहे हैं कि हम प्रयासरत हैं, लगातार कोशिशें कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इन भेड़ियों को पकड़ा जा सके, क्योंकि भेड़ियों का आतंक इस बीच गांव में लगातार बरकरार है और गांव वालों का भी यही कहना है कि जब तक हमें ये जानकारी, ये सूचना नहीं मिल जाती कि भेड़ियों को पकड़ लिया गया है, गाँव से दूर भेजा जा चुका है, तब तक वो डर के साए में ही जीने को मजबूर है। तो देखिए बहराइच, और बहराइच के लगभग 30 से 35 ऐसे गांव हैं जहां पर लोग इस समय डर के साए में जीने को मजबूर हैं। कारण ये है कि यहां पर भेड़िए का दहशत देखने को मिल रहा है।